सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की स्टूडियो में मैं करने वाला हूँ इस फोटो का फोटो एडिटिंग। सो ये फोटो मैंने कल ही अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था और उस पर मुझे बहुत सारे डीएम्स मिल गए आपकी कि भाई इस टाइप का फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, उसका एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल हमारे लिए लेके आओ। सो आपके लिए मैं ये ट्यूटोरियल आज लेके आया हूँ। सो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैंने पूरा प्रॉपर बताया है कि इसमें मैंने कौन सा फॉन्ट यूज़ किया है, बैकग्राउंड के लिए कौन सा प्रीसेट यूज़ किया है, रिटचिंग ऑल ओवर मैंने कैसे की है, सब आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बाकी वीडियोस से अलग रहने वाली है हमारे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं डेली कुछ पोस्ट डालता रहता हूँ। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं हमारे फोटोशॉप में, और इस फोटो में जो है मैंने बेसिकली तीन चीज़ें ऐड की है। सो फर्स्ट जो है वो हम फोटो को थोड़ा सा फील देंगे, इसका जो कॉन्ट्रास्ट है और इसकी जो हाईलाइट है वो हम थोड़ी सी मैनेज करेंगे पहले, उसके बाद जो है हम बैकग्राउंड का थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे, थोड़ा फेस का भी जो है डिटेल्स देखेंगे, और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा उसमें ग्रेडियंट ऐड करेंगे फ़ोटो के ऊपर, और उसके बाद जो है वो हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। सो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। सो पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड लेयर का लॉक जो है ओपन करेंगे। लेयर अनलॉक होने के बाद राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नाम हम कुछ नहीं देंगे, सिर्फ ओके करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे फिल्टर, कैमरा फिल्टर में। कैमरा फिल्टर में आने के बाद हम क्या करेंगे, बेसिक्स में जाएंगे पहले। वहाँ पे हम जो हाईलाइट है वो है पूरी कम कर देंगे हाईलाइट। यहाँ पे आप इफ़ेक्ट देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, जो कॉस्ट्यूम पे हाईलाइट थी ब्राइड के और जो ज्वेलरी पे हाईलाइट थी वो रिमूव हो चुकी है। सो उसके साथ साथ जो है फेस, एक साइड का जो फेस का है वो भी हाईलाइट कम हो चुका है पूरा। सो ठीक है, हम वो भी एडजस्ट करेंगे बाद में। उसके बाद जो है हम शेडो को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, शेडो को माइनस में लेंगे। इससे क्या होगा, जो बालों पर जितना भी वाइट पार्ट आया था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा इसमें, ठीक है। आप देख सकते हो थोड़ा शेडो हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जो वाइट है, वाइट भी थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे, इसका -10, शेडो को थोड़ा सा कम कर, शेडो को थोड़ा सा और कम कर देंगे 40 तक, ओके। उसके बाद जो है कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम कर देंगे -7-8 इतना, यस 10 रखेंगे और ओके कर देंगे अभी। तो इफ़ेक्ट आप देख सकते हो, पूरा हाईलाइट जो है जो भी कॉस्ट्यूम के ऊपर था वो रिमूव हो चुका है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा फेस डल हो गया है यहाँ पे, तो हम इरेजर लेंगे और उसका जो ओपेसिटी है वो वो 13 या 14 तक रखेंगे। उसकी साइज़ थोड़ी सी जो है कम कर देंगे और थोड़े से फ़ोटो के अकॉर्डिंग, और जहाँ पे आपको नहीं चाहिए वहाँ पे हम थोड़ा सा रिमूव कर देंगे, वो पार्ट इरेज कर देंगे कुछ इस टाइप का। सो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। सो अभी ये लेयर हम मर्ज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इरेजर का यूज़ किया है, तो इस लेयर में जो है वो पार्ट जो है वो पूरा इरेज हो चुका है, इसलिए हम मर्ज करेंगे। उसके बाद फिर इसका एक हम डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पे हम फेस के ऊपर पूरा जूम करेंगे। अभी ये बाल वगैरह कुछ निकलने की ज़रूरत नहीं है फेस के ऊपर से, क्योंकि ये एस्थेटिक लुक के लिए मैंने ऐसा जो है वो फ़ोटो क्लिक किया हुआ है। सो हम जाएंगे स्पॉट हीलिंग टूल में। स्पॉट हीलिंग में हम सिर्फ जो छोटे छोटे पिंपल दिख रहे उसको ही सिर्फ रिमूव करेंगे, ठीक है। साइज़ थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड जितने पिंपल है उसको हम रिमूव करेंगे। नॉर्मली क्लिक करते जाइए, पिंपल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। बालों के ऊपर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिल, फोटो का फिल जो है थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है। सो इतना ही करेंगे हम, फेस के ऊपर ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, और ऐसे ही फेस रहने देंगे। उसके ऊपर पोर्ट्रेचर या फिर कौन सा इफेक्ट हम नहीं देंगे, क्योंकि ये जो लुक है वो डिटेल्स है वो अच्छी लग रही है। सो आप भी आपके फ़ोटो के अकॉर्डिंग जो है वो डिटेल्स रख सकते हो फोटो में। उसके बाद फिर हम डुप्लीकेट लेयर करेंगे, और यहाँ पे हम अभी एडिटिंग करेंगे फ़ोटो का थोड़ा सा, फिल्टर में जाके कैमरा प्रीसेट में। सो कैमरा ओपन होने के बाद पहले हम बेसिक्स में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे।
सो कैमरा ओपन होने के बाद हम बेसिक्स में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली हम कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम कर देंगे -10। उसके बाद जो है हाईलाइट पहले से ही बहुत कम की है, सो और थोड़ा सा हाईलाइट अगर आपको चाहिए तो आप कम कर सकते हो, अगर हाईलाइट आपको कम लग रहा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। सो मेरे यहाँ पे फोटो के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा हाईलाइट कम कर देता हूँ। उसके बाद जो है शैडो का पार्ट, शैडो थोड़ा सा आप कम ज़्यादा कर सकते हो आपके हिसाब से। सो प्रीवियसली हमने थोड़ा सा शैडो कम कर दिया था, इसके लिए अभी हम जो है जो माइनर जो है वही हम एडजस्टमेंट करेंगे अभी यहाँ पे। सो शैडो हम -10 रखेंगे। इसके बाद जो है वाइट का पार्ट थोड़ा सा बढ़ाएंगे +7-8 तक, और जो ब्लैक का पार्ट है वो माइनस में लेके जाएंगे -20 या 25 तक। सो 25 इज बेटर। उसके बाद जो है वाइब्रेंस हम देखेंगे नीचे, वो 25 प्लस तक लेके जाएंगे, और जो सैचुरेशन है वो -7 में लेके जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे कर्व्स में, कर्व्स में हम पहले बेसिक कर्व्स में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। लाइट जो है थोड़ा सा माइनस में लेके जाएंगे -10, हाईलाइट को -10, लाइट को थोड़ा सा हम कम ज़्यादा करके देखेंगे लाइट +8। उसके बाद डार्क जो है उसको भी हम थोड़ा सा कम ज़्यादा करके देखेंगे, सो डार्क -10 या +15 तक ओके रहेगा +12। उसके बाद शैडो जो है शैडो हम -20 तक लेके जाएंगे, क्योंकि उससे जो है आप देख सकते हो बालों का जो पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही वाइट और ब्लैक हो रहा है, सो इसको हम -15 तक रखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड पॉइंट में, कर्व पॉइंट में, और यहाँ पे हम सिर्फ पॉइंट देंगे 1, 2, 3, यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट हो चुके हैं। सो आप यहाँ पे पॉइंट एडजस्ट कर सकते हो आपके टोन के अकॉर्डिंग फोटो की, ठीक है, कितना लाइट चाहिए आप वहाँ उस साइड का लाइट आप रिकवर कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इधर ऊपर के साइड थोड़ा सा लाइट कम ज़्यादा करके मैं देखूँगा फोटो अगर रिकवर होता है मेरा। यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट थोड़ा सा दिखना चाहिए, सो इसके लिए थोड़ा सा पार्ट ऊपर किया है मैंने, यस दैट्स इट, यहाँ पे इतना ही करना है। सो कर्व के बाद अब हम जाएंगे डिटेल्स में। डिटेल्स में शार्पनिंग जो है वो +22, और जो है कलर नॉइज़ रिडक्शन जो है वो +22 के अकॉर्डिंग रखेंगे, 20 या फिर 22, सो 20 इज़ बेटर। देन उसके बाद हम जाएंगे कलर मिक्सर में, और यहाँ पे हम करेंगे कलर एडजस्टमेंट। सो पहले हम जाएंगे ह्यूज में, ह्यू में हम जो देखेंगे रेड है, रेड जो साड़ी पे थोड़ा सा पिंक कलर है, सो रेड को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे +5 तक। उसके बाद ऑरेंज जो है -5, एंड जो येल्लोज है वह अभी हम बैकग्राउंड के लिए देखेंगे, सो येल्लोज हम रखते हैं 18 तक। थोड़ा सा ग्रीन में लेके जाएंगे उसको, उसके बाद ग्रीन का जो पार्ट है वो थोड़ा सा येल्लो में लेके आएंगे, वो -45 तक लेके जाएंगे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा, ग्रीन एंड येल्लो का कॉम्बिनेशन। सो उसके बाद जो एक्वास है वो थोड़ा सा 5-6 के अकॉर्डिंग लेके जाएंगे, क्योंकि एक्वास कलर यहाँ पे ज़्यादा दिखने के लिए मिल रहा, सिर्फ जो चूड़िया है चूड़ियों के ऊपर है, और थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड पे इस पार्ट में आपको एक्वास कलर दिखने को मिलेगा, देख सकते हो आप। सो थोड़ा सा फिल ऐड करने के लिए अगर आप एक्वास को पूरा माइनस में लेके जाओगे तो वो पूरा आपके ऊपर के पार्ट के हिसाब से हो जाएगा, पर जो है चूड़ियों का कलर उस पर अच्छा नहीं लगेगा। सो एक्वास जो है मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 5-10 प्लस में, सो थोड़ा सा टोन ऐड हो चुका है, 2 टोन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, देख सकते हो आप, एक्वास एंड थोड़ा सा येल्लो ग्रीन ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस हम करेंगे वो सैचुरेशन में करेंगे, यहाँ पे ऑरेंज जो है वो -5 तक लेके जाएंगे, उसके बाद येल्लोस जो है वो 49 तक या फिर 50 पे रख सकते हो आपके हिसाब से। उसके बाद ग्रीन जो है वो -21 या फिर 20 तक, एक्वास -20, एक्वास और ग्रीन का आपको सेम रखना है। उसके बाद ब्लू भी आपको उसी हिसाब से एडजस्ट करना है, और पर्पल यहाँ पे ओके 90 तक, ठीक है। उसके बाद लुमिनेंस में जाना है, यहाँ पे रेड जो है वो रेड +10 कर देना है आपको, एंड ऑरेंज जो है +7, येल्लो जो है +36-37, ग्रीन जो है वो 30 तक लेके जाएंगे +30, दैट्स इट। एक्वास जो है वो इस हिसाब से, एंड ब्लू भी उस हिसाब से आप लेके जा सकते हो।
थोड़ा आपको लगेगा अगर डिसैचुरेट फोटो हुआ है, थोड़ा सा कलर डाउन हो चुका है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा कम ज़्यादा करके। ओके, उसके बाद कैलिब्रेशन में जाएंगे और यहाँ पे भी थोड़ा सा कलर जो है सेट कर लेंगे कैलिब्रेशन में। सो सैचुरेशन जो है -20 तक लेके जाएंगे और ह्यू जो है वो +18 तक लेके जाएंगे। रेड का ह्यू जो है वो +13। ओके, थोड़ा डिसैचुरेट लग रहा है। यहाँ पे हम कलर मिक्सर में जाएंगे फिर से और यहाँ पे जो है ग्रीन थोड़ा सा बढ़ाएंगे और येलो भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पर्पल भी थोड़ा सा माइनस प्लस में लेके जाएंगे। ओके, यहाँ पे रेड थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। ओके ठीक है, ये प्रीसेट मैं आपके सामने सेव करता हूँ। 3 डॉट्स पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे सेव सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सो मैंने प्रीसेट पहले से ही सेव कर दिया है, सो आपके लिए फिर से सेव करता हूँ। सो ब्राइड का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया है एंड ओके। सो ये हो गया हमारा कलर का रिटचिंग। सो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा एस्थेटिक लग रहा है फ़ोटो। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ग्रेडियंट टूल लेंगे इधर से, यहाँ पे ग्रेडियंट टूल है, या फिर आप इधर नीचे से भी ले सकते हो। सो उसके लिए मुझे कलर चाहिए, वो कलर मैं पिक करूँगा जो ब्राइड की जो कॉस्ट्यूम है उसके ऊपर का जो कलर है वही मैं पिक करूँगा यहाँ पे। सो आपको अल्ट प्रेस कर लेना है, यहाँ पे अल्ट प्रेस करके आपको क्लिक करना है जो कलर आपको चाहिए वो। सो मुझे बेसिकली ये डार्क कलर चाहिए थोड़ा सा। ओके, सो कलर यहाँ पे आ चुका है वो, और यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे जाके ग्रेडियंट पे जाऊँगा, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सो ठीक है, ग्रेडियंट मुझे जो है थोड़ा सा नीचे चाहिए, फेस के ऊपर उसका जो है इफेक्ट नहीं चाहिए। तो हम सिंपली इसको ड्रैग करते हैं नीचे फोटो के, जितने आपको ओपेसिटी चाहिए आप उसकी रख सकते हो। यहाँ पे स्केल है, ज़्यादा बड़ा है तो पूरे फोटो के ऊपर आ जाएगा। सो बेसिकली हमको इतना चाहिए नहीं, सो हम रखेंगे इसको 90 के अकॉर्डिंग, 100 या 90 पे, ठीक है। थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे एक पे फोटो के ऊपर, ओके कर देंगे। अभी देख सकते हो फेस के ऊपर अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे इरेज कर सकते हो ये पार्ट। सो अभी आ नहीं रहा है फेस के ऊपर, सो यहाँ पे अभी ओके हो गया है। यहाँ पे अभी हम वाइट कलर चॉइस करेंगे, यहाँ पे वाइट कलर लेंगे और यहाँ पे हम टी के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे अभी टेक्स्ट। सो ये फॉन्ट का नेम है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉन्ट का भी लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं अभी ब्राइड का नाम डालूंगा और कंट्रोल टी करके उसको रिसाइज करूंगा और यहाँ पे नाम सेट कर दूंगा और यहाँ पे ऊपर फिर से फॉन्ट लूंगा और यहाँ पे ब्राइड टाइप करूंगा। ओके, एंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। आपको लगेगा अगर ये आपको साइज़ थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है तो आप कंट्रोल टी करके थोड़ा सा साइज़ बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा इस टाइप का। अगर इस फॉन्ट को आपको लगता है कि ये थोड़ा सा बोल्ड करे तो आप बोल्ड भी कर सकते हो, फॉन्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे ए के ऊपर क्लिक करके आप थोड़ा सा बोल्ड या फिर थोड़ा सा उसको लुक दे सकते हो फॉन्ट को, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना लोगो भी अभी एडजस्ट कर देता हूँ। सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का मैंने पूरा एडिटिंग किया है फोटो का। सो यहाँ पे मैं लोगों के लोगो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ क्लिक करके और यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ उसको। ओके, सो ये हो गया हमारा फोटो एडिटिंग। सो यहाँ पे ऊपर हम एम्प्टी लेयर लेंगे अभी और यहाँ पे इमेज में जाके अप्लाई इमेज करेंगे और उसके बाद पूरे फोटो के ऊपर जो है फिल्टर में जाके फिर से कैमरा में जाएंगे और थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे विग्निटी थोड़ा सा ऐड करेंगे नॉर्मली और ग्रेन्स जो है वो हम थोड़ा सा ग्रेन्स देंगे इस फोटो को थोड़ा सा एस्थेटिक बनाने के लिए 20 तक। अब देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ आ जाएगा फोटो के ऊपर, यहाँ पे आप फोटो के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। द बैकग्राउंड में भी देख सकते हो आप, फेस के ऊपर भी थोड़ा सा नॉइज़ आ गया अभी। सो बहुत एस्थेटिक लग रहा है फोटो, ओके कर देंगे एंड यस दिस इज़ द फाइनल इमेज। सो ये फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था, सो ये उसकी फाइनल कॉपी। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब भी करना। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।